नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। योग शिक्षक संघ हरियाणा के यमुनानगर जिला अध्यक्ष दीपक बडोला और उनके साथी भोजपुर गांव की व्यायामशाला में पहुंचे। योगशाला की खस्ता हालत देखकर दीपक बडोल ने सरकार और अधिकारियों पर योगशालाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार आमजन का पैसा खराब करने में लगी हुई है। योगशालाएं नशा करने वालों का अड्डा बन चुकी है। सरकार ने योगशाला खोलकर खानापूर्ति कर दी है। अब लाखों रुपए लगाने के बाद भी इन योगशालाओं में कोई भी सुविधा नहीं है। योगशाला के अंदर जाने तक का रास्ता नहीं है क्योंकि वहां पर अब बड़ी बड़ी घास खड़ी है। दीपक बडोला और उनके साथियों ने जानकारी देते हुए कहा है कि जब वे व्यायामशाला में पहुंचे तो दो लड़के उनको देखकर भाग गए। वो शायद यहां अंदर बैठकर नशा कर रहे थे क्योंकि जब वे अंदर गए तो वहां पर नशा करने का सामान जैसे कि लाइटर और अन्य सामग्री पड़ी हुई थी और बहुत अधिक मात्रा में गंदी जहरीली बदबू आ रही थी। साथ ही साथ वहां पर शराब तंबाकू की खाली पन्नियां बहुत अधिक मात्रा में पड़ी हुई मिली। जब गांव के लोगों से बात की गई तो उन्होंने भी यही बताया कि आवारा लड़के यहां दिन रात बैठकर नशा करते रहते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सरकार ने ये योगशाला स्वस्थ रहने के लिए बनाई है या स्वास्थ्य खराब करने के लिए बनाई है। भोजपुर योगशाला के मुख्य द्वार पर ही इतनी बड़ी घास जमा है कि अंदर जाने तक का रास्ता नहीं है। योगशाला जंगल में तब्दील हो चुकी है। वे जल्द ही इन बंजर पड़ी व्यायामशालाओं के लिए एक शोक सभा रखेंगे। इस दौरान मौके पर देवेंद्र कुमार और विकास सैनी उपस्थित रहे। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। नमस्कार जी, मेरा नाम दीपक बुडोला है। मैं यमुनानगर से योग शिक्षक हूँ और मेरे साथ में देवेंद्र कुमार जी हैं, ये भी योग शिक्षक हैं यमुनानगर से। आज हम अपनी व्यायामशालाओं में यहाँ पर देखने आए थे। हम भोजपुर यमुनानगर की व्यायामशाला में खड़े हैं तो हम यहाँ पर जब आए तो यहाँ पर हमारी स्थिति देख कर ही बहुत दुख हो रहा था। हम पहले आपको एंट्री दिखाएंगे। यहाँ पर एंट्री के आप देखेंगे यहाँ से अंदर जाने का बिल्कुल भी रास्ता ही नहीं है और एक दूसरी तरफ से यहाँ पे से थोड़ा सा रास्ता है। इस रास्ते से हम आपको अंदर लेके चलेंगे। इस रास्ते से हम आपको चलेंगे दिखाने के लिए कि यहाँ पर ये टूटे हुए लाइटर, ठीक है, ये तंबाकू बीड़ी, ये पीछे लाइटर वगैरह, ये सारी आने का भी अंदर रास्ता नहीं है। ये सारी बहुत बड़ी बड़ी घास खड़ी हुई है। और मैं आपको एक छोटे छोटे शब्दों में एक बात बता दूं कि यहाँ पर अभी जब हम अंदर आ रहे थे तो यहाँ पर से अभी अभी दो लड़के जो है भागे हैं यहाँ पर से। अब हमें नहीं पता कि वो क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, मगर वो एकदम देखकर इधर क्या कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे से आए तो एकदम हमने देखा कि वो एकदम भागते हुए जा रहे थे। तो हमने उनसे पता नहीं कि क्या कारण था क्या नहीं था। तो यहाँ पर एक मैं दिखाना चाहूंगा, ये अंदर रूम बना हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे लाइटर, ये सिल्वर फॉइल पेपर वगैरह ये सब दिख रहे हैं, ठीक है। तो इन पेपरों की मैं आपको बता दूं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा इसमें कि ये जो है यहाँ पर ये नशे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है हमारी व्यायामशाला को, जिस मंदिर समान मंदिर रूप की व्यायामशाला को हम पूजने के लिए यहाँ पर आए थे कि आज हम यहाँ पर उनके दर्शन करके चलते हैं, हमारी व्यायामशाला कैसी पड़ी है कैसी नहीं पड़ी है, उसके हाल यहाँ पर जो है नशा करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। अब मैं आपको थोड़ी सी और अंदर की स्थिति दिखाऊंगा एक बार के लिए। इधर से आ जाइए, यहाँ पर कहीं पर भी रास्ता ही नहीं है बाहर निकलने का। देखिए ये व्यायामशाला है अंदर, इसमें इतना सारी ये सारी की सारी घास खड़ी है यहाँ पर, ये इधर सारी घास खड़ी है इस तरफ में बिल्कुल, और ये इधर बड़े बड़े पेड़ हैं, ये सारी भांग वगैरह जो जंगली घास वगैरह सारी खड़ी है, बहुत बुरे हाल किए हुए हैं। यहाँ पर से ये सारे के सारी मिट्टी इतनी गंद पड़ा है कि व्यायामशाला की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये किसी जानवर की हड्डी है ये यहाँ पर, और इस तरह से देखेंगे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।